मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की गृह विज्ञान में पाचक तंत्र के क्वेश्चन आंसरों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न है, पाचन क्या है? भोजन की आवश्यकता लिखिए। और क्या है प्रश्न? पाचन क्या है? भोजन की आवश्यकताएं लिखिए साथ में, है ना। तो पाचन एक भौतिक तथा रासायनिक क्रिया है जिसमें विकर द्वारा अघुलनशील भोजन को घुलनशील भोज्य पदार्थ में बदल देता है, घुलनशील भोज्य पदार्थ में बदल देता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन फिर भोजन की आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता है हमें शरीर के लिए आवश्यक है। कैसे? जैसे शरीर को भोजन क्रियात्मक शक्ति और उष्णता प्रदान करता है ना। हृदय और मस्तिष्क की समस्त क्रियाओं को सुरक्षित रखता है। शरीर की वृद्धि हेतु कई कोशिकाओं का निर्माण करता है और शरीर में हमें एनर्जी भी देता है। शरीर को एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है कार्य करने के लिए। काहे के लिए? कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या? भोजन। भोजन शरीर में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है कार्य करने के लिए। कार्य को करने के लिए फिर है यकृत के कार्य। यकृत शरीर में हमारे यकृत का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे यकृत पित्त रस बनाता है और चिकने पदार्थों को अलग करता है। यकृत क्या करता है? पित्त रस बनाता है और चिकने पदार्थों को पाचन में मदद करता है। इन्हें लसलसा पदार्थ बनाता है और उससे हमारे भोजन को पचाने की शक्ति होती है। फिर शरीर की विभिन्न पेशियों को बनाने में भी प्रोटीन की बनी होती है, जो उनको नष्ट हो जाने से उनमें यूरिक एसिड भी उत्सर्जन हेतु लाता है। क्या? कौन लाता है? यकृत। यकृत लीवर। फिर भोजन के साथ साथ अतड़ियों में भी पहुंचने वाले विषैले पदार्थों को नष्ट कर देता है। यह लोह तत्वों का संग्रह करके लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का निर्माण में भी सहायक होता है। कहाँ पर होता है हीमोग्लोबिन? क्या करता है? लीवर में। हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी यह सहायक होता है। लोह तत्वों का संग्रह करता है। यह रोगाणुओं को नष्ट भी करता है। यह रोगाणुओं को नष्ट करता है, होने वाले रोग है ना, उनको नष्ट करता है। यह ग्रहणी में भोजन को सड़ाने से रोकता है। ग्रहणी में जिस जैसे हम ग्रहण करते हैं ना, भोजन नली, भोजन की नलिका होती है जो वहां पर ग्रहणी होती है। यकृत हमारे शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करने का भी काम करता है, शरीर में विभिन्न पेशिकाओं में। अब प्रश्न है, छोटी आंत को पक्वाशय कहते हैं, वर्णन सहित लिखिए। छोटी आंत ग्रहिणी, अभी हमने पढ़ाया यकृत में कि ग्रहिणी में भी भोजन जाता है। अब देखते हैं कि पक्वाशय की क्या कार्य है, इसमें क्या क्या बताया है या क्या वर्णन है। ये कैसी होती है? इसको ग्रहिणी बोलते हैं। पक्वाशय को क्या बोलते हैं? ग्रहिणी। ग्रहिणी जो भोजन को अंदर लेके जाती है।
छोटी आंत, छोटी आंत 6.5 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर होती है इसकी, लेकिन छोटी आंत के आरंभ में 25 सेंटीमीटर का भाग जो होता है उसे पक्वाशय या ग्रहणी कहते हैं, डियोडीनम भी कहते हैं इंग्लिश में से, या इसे ग्रहणी और छोटी आंत भी बोलते हैं हिंदी में। छोटी आंत की अपेक्षा यह थोड़ा चौड़ा होता है, यह घोड़े की नाल की जैसा होता है, इसका आकार अर्धवृत्ताकार होता है, अग्रभाग में पित्त नली होती है, पित्ताशय के भाग में आकर खुलती है और पित्ताशय यकृत से जुड़ा होता है। अगले भाग में अग्नाशय अग्नयेशिक नली में खुलता है। पक्वाशय में अलग अलग नलियों द्वारा पाचक रस आकर मिलते हैं और यहाँ पे भोजन 95% करीब पच जाता है। फिर है जीभ की रचना का लिखिए। जीभ की रचना के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, जीभ की रचना किस प्रकार की होती है। जीभ में स्नायु से बनी होती है, काहे से बनी होती है, स्नायु से। यह मुख गुहा के जबड़े के बीच स्थित होती है और इसका जो यह तीन ओर से स्वच्छंद होती है, यानी तीन तीन तरफ से खुली हुई होती है और एक तरफ से जुड़ी हुई होती है। आगे का भाग खुला होता है और पीछे जीभ का भाग क्या होता है, दूसरे तालू के पास से वहां से जीभ भारती से जुड़ा रहता है या बना रहता है। जीभ पर अंतस्त्वचा का आवरण भी होता है। जीभ के कार्य भोजन को चबाने में मदद करता है, भोजन को मसल कर उलट पुलट कर महीनतम बनाता है, भोजन निगलने में सहयोग देता है, भोजन का और विभिन्न खाद्य पदार्थों का ज्ञान कराता है, स्वादों का ज्ञान कराता है, अंतस्त्वचा को गीला बनाए रखता है और बोलने में सहायक होती है। जीभ जीभ के द्वारा ही हम बोलते या बतिया पाते हैं, है ना। तो जीभ की रचना के बारे में हमने पढ़ा है। अब देखेंगे आगे की क्या आहार नाल, मानव की आहार नाल की बनावट का सचित्र वर्णन करिए। आहार नाल का हमारे भोजन में बहुत महत्व है ना। आहार नाल लंबी और खोखली नली होती है। यह नली लचीली स्नायुओं से बनी होती है, मुंह से गुदा द्वार तक जाती है, कहीं पर संकरी होती है और कहीं पर चौड़ी होती है। इसके अतिरिक्त पाचन ग्रंथियां हैं जिनमें उत्पन्न होने वाले पाचक रसों का भोजन पाचन में योगदान करता है। जैसे इधर बताए हैं बहुत सारे अंग होते हैं इसके अंग, यकृत, अग्नाशय, ईहा, फिर मुख, कृशनलिका या गला, अन्ननलिका, अमाशय, ये क्या है अमाशय, फिर पक्वाशय जो हमने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा, ग्रहणी या पक्वाशय है ना, डियोडिनम, फिर छोटी आंत, इसके बाद छोटी आंत में जा, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर मलाशय तक जाता, फिर बाद में आंत में गर्भाशयी अंग सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। मुंह में जीभ, होंठ और दांत होते हैं। होंठ मुंह द्वार का कार्य करता है। कृशिका गले में खुलती है। तालु पार्श्व कपोल या गाल में होते हैं ना, ये कोमल मांस से बने होता है और मुंह के पास लाल ग्रंथियां होती हैं जो हमें भोजन के पचाने में सहायक होती हैं। ये है आपके आहार नली की बनावट। देख रहे होंगे बच्चों आप, यहाँ पर यकृत है ये, फिर यहाँ ये भोजन नली जो खोखली होती है और लंबी होती है, नीचे तक ये जाती है ये पूरी, फिर ये अग्नाशय होता है यहाँ, पित्ताशय।